वेलकम अमर सर यूट्यूब चैनल, इस पर आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत खूबसूरत मेंस लेवल के कैसलेट डीआई पर बात करने जा रहे हैं। ये एक ऐसा डीआई है जिसमें अननोन्स की भरमार है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जबरदस्त इस्तेमाल है, रियल में आप एंजॉय करेंगे। लेकिन अगर चैप्टर पर आपका कमांड होता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पर मैथमेटिकल स्किल डेवलप हो गया है, तो फिर ऐसे डीआई नए डीआई के रूप में आते रहेंगे और आप आसानी से हैंडल कर सकेंगे। ये बात मैं बार बार कहता हूँ, आज फिर आपको ये समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं ये जो IBPS क्लर्क के लिए प्री और मेन की सीरीज है, जिसमें IBPS RRB PO क्लर्क के भी प्री और मेन की सीरीज शामिल है, उनके वीडियोज भी लगातार आएंगे। इसके मेंस के इस वीडियो में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मेंस का वीडियो रोज दिन में 3 बजे अपलोड होता है और प्री का वीडियो रोज सुबह 9 बजे अपलोड होता है। ठीक है, आइए। यूट्यूब पर ये 12 आवर्स का लाइव जरूर देखिए SICI का, और ऐप अमर सर मैथ दिखता है, इस पर डिफरेंट पेड कोर्सेस हैं। जो लोग पेड कोर्स का डिमांड करते हैं उनके लिए है कि उस ऐप पर आप जाएं और देखें। ये भी बात है कि ये वीडियो सीरीज भी ऐप पर अवेलेबल करा दिया गया है और उसमें सभी सॉल्व PDF भी हैं। और YouTube पर क्लास करने वाले के लिए भी किसी चिंता की जरूरत नहीं है, ये वीडियो सीरीज आपको सक्सेस दिलाएगा और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल अमर सर कॉम्पिटेटिव एग्जाम और अमर सर बैंक एग्जाम प्रिपरेशन पर लगातार दिया जा रहा है, वहां से अपलोड कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। कैशलेट में जो अप्रोच है, एक ओवरऑल मैक्रो व्यू होता है और तब माइक्रो होता है कि चक्रव्यूह को एक बार देखें और तब तय करें कि इसे भेदा कहां से जाए, क्योंकि तभी आप डेटा को अरेंज कर पाएंगे। डीआई से पहले की स्थिति है कैशलेट डीआई। डीआई में डेटा अरेंज होता है, कैशलेट में कच्चा डाटा रहता है, उसको आप अरेंज करते हैं तब वो डीआई बनता है और तब आप सॉल्व करते हैं। तो आपके दिमाग में एक मैप बनना चाहिए। मैंने PPT और PDF भी वैसा ही बनाया है ताकि उसी सिलसिले से आपको समझ में आए कि अप्रोच क्या हो। सबसे पहले आप इसको पढ़ें, देखें, इसलिए मैंने यहाँ कुछ नहीं किया है, जस्ट क्वेश्चन रहने दिया है। क्वेश्चन को देख करके सोचिए। देयर आर टू विलेजेस ए एंड बी, ओके। रेशियो ऑफ पॉपुलेशन ऑफ विलेज ए एंड दैट ऑफ विलेज बी इज 3:2। तो चलिए, विलेज ए और बी में पॉपुलेशन का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। रेशियो ऑफ मेल पॉपुलेशन टू फीमेल पॉपुलेशन इन विलेज ए इज x:y एंड दैट इन विलेज बी इज y:x। और फिर आगे पढ़ते हैं। असल में पूरा डेटा पढ़ा नहीं जाता, लेकिन इसमें इंफॉर्मेशंस कम है, 3-4 लाइन में इंफॉर्मेशंस हैं, तो इसको पढ़ा जा सकता है। और नेचुरली जब कम इन्फॉर्मेशंस हैं तो सभी इंटर रिलेटेड होंगे, उसको पढ़े बिना होगा नहीं। तो ये एक डिफरेंस हुआ दूसरे कैसलेट डीआई से। दूसरे में 2-3 लाइन पढ़ के हम डायग्राम बना लेते हैं, लेकिन यहाँ पर डायग्राम बनाने में क्या है, 4 लाइन है तो 3 लाइन तो पढ़ते हैं। एक बात तय है, विलेज ए एंड बी और मेल एंड फीमेल ये बनेगा, ठीक है। तो बनेगा विलेज ए एंड बी और मेल एंड फीमेल, और फिर डेटा को लिखेंगे। तो इसको मैंने ठीक से अरेंज करके टेबल बना दिया है ताकि आपको सुंदर लगे, ठीक है। अब आप देखिए कि अप्रोच क्या हो, कैसे लिया जाए, कैसे बनाया जाए। सबसे पहले देखिए, देयर आर टू विलेजेस ए एंड बी, ओके। विलेजेस ए एंड बी, उधर भी टोटल लिख सकते हैं, जरूरत होगी तो लिख देंगे, ठीक है। नहीं तो जनरली विलेज ए का टोटल पॉपुलेशन, विलेज बी का टोटल पॉपुलेशन। रेशियो ऑफ पॉपुलेशन ऑफ विलेज ए टू दैट ऑफ विलेज बी इज 3:2। तो देख करके ऐसा लगता है
कि ये जो टोटल पॉपुलेशन है ये 3:2 है, तो हम इसको 3x 2x मान लें, लेकिन x एंड y का इस्तेमाल आगे हुआ है तो वो नहीं मान सकते, तो हम इसको 3k एंड 2k मान लें, ऐसा लगता है, मान भी सकते हैं। लेकिन क्या मानना ज़्यादा सही रहेगा कि नहीं मानना सही रहेगा, इसका पता अभी नहीं चलेगा। अगला जो लाइन है देखते हैं, अगला लाइन है कि रेशियो ऑफ मेल पॉपुलेशन टू फीमेल पॉपुलेशन इन विलेज ए इज एक्सेस टू वाई। तो अब दिक्कत हो जाएगी ना, तो एक्सेस टू वाई मानने से इसको करने में दिक्कत होगी, इसीलिए हम ऐसे नहीं मानते, ठीक है। तो कहां से कैसे माना जाए, देखिए ये जो रेशियो है एक्सेस टू वाई है, एक्स तो दिया हुआ डेटा है, तो हम उसको ए एक्स एंड ए वाई मान लेते हैं, जैसे के एक्स के वाई इक्वी मल्टीपल होगा, तो ये निकल जाएगा ए इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक। और वहां पर दिया हुआ है कि इन विलेज बी इज एक्स, विलेज बी इज वाई इज टू एक्स, वाई इज टू एक्स है, लेकिन ये रेशियो तो टोटल विलेज का है ना, यानी ये दूसरा कोई इक्वी मल्टीपल होगा, तो बी वाई एंड बी एक्स मान लिया, तो ये बी कॉमन ले लें तो एक्स प्लस वाई, और यस इसका रेशियो दिया हुआ है 3:2, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए कि दिया हुआ है कि ए इंटू एक्स प्लस वाई बाई बी इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3:2, ये दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि ए बाई बी इज इक्वल टू 3:2, इसके कारण हम ए इज इक्वल टू कुछ नया 3k मान लेते हैं एंड बी इज इक्वल टू 2k मान लेते हैं, इससे चीजें आसान हो जाएंगी, ठीक है। अब देखिए इससे चीजें किस तरह आसान होंगी वो देखिए, अब ए और बी हट जाएंगे, k के रूप में आ जाएगा, थोड़ा इजी हो जाएगा डेटा, यानी ये जो वैल्यू है ए के जगह में 3k रख दें तो 3kx और ये 3ky, तो ये हो जाएगा 3kx प्लस वाई। जल्दी बताइए, थोड़ा सिंपल बना, और b का वैल्यू 2k है तो ये हो गया 2ky और ये 2kx और ये वैल्यू हो गया 2kx प्लस वाई। यही हमारा फाइनल डेटा है अभी तक का। अगर कुछ डेटा दिया है तो यस, डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल्स इन ए एंड दैट ऑफ फीमेल्स इन विलेज बी इज 880। इसमें तो लगता है कुछ निकलेगा ही नहीं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा दिया हुआ है कि इधर देखिए, ये दिया हुआ है डिफरेंस, डिफरेंस तो मतलब कौन किससे बड़ा है मालूम नहीं, मेल्स इन ए, रुक जाइए, मेल्स इन ए एंड फीमेल्स इन बी, इसका डिफरेंस, तो मेल्स इन ए क्या है 3kx और फीमेल्स देखिए 2kx, इसीलिए दिया था, नेचुरली ये बड़ा है, डिफरेंस है इज इक्वल टू 880, यस। तो इसका मतलब ये निकला कि 2kx इज इक्वल टू 880, इसका मतलब इनके वैल्यूज निकल गए। देखिए 1kx हुआ ना ये, तो इसका वैल्यू निकल गया kx इक्वल टू 880, तो हम वैल्यू भी बता सकते हैं। देखिए जरा वैल्यू क्या हुआ, वैल्यू क्या निकला,
ये वैल्यू यहाँ पर निकला 818 into 2 यानी 1760 और ये 2640 3 kx। देखिए यहाँ पर लिख देते हैं 2 kx इज इक्वल टू 2 into 880 दैट मीन्स कि 1760 एंड 3 kx इज इक्वल टू इसको भी कैपिटल रखते हैं 3 kx इज इक्वल टू 3 into 880 हमें ये वैल्यूज मालूम हो गए, लेकिन इसके अलावा और कुछ भी मालूम नहीं हो सकता। हमारा डेटा यही है। अब क्वेश्चंस में जो दिए रहेंगे उसके मुताबिक हम लोग आगे बढ़ेंगे। सम मोर इन्फॉर्मेशन मे बी गिवन इन क्वेश्चन। हमारा डेटा कैसा आया वो देखिए। फाइनली जो इसका बनता है वो ये है। देखिए ठीक है, तो फाइनल वैल्यूज हमने ऐसे लिख लिया, ये बना जो हमने लिखा था, बढ़िया से अरेंज करके लिया गया है ताकि आपको पढ़ने समझने में सुविधा हो। अब इनको लेकर के हम क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। पहला सवाल, फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल्स इन विलेज बी। वो सब तुम लोग सॉल्व कर चुके, दैट इज 1760 फीमेल्स इन विलेज बी इज इक्वल टू 1760। ठीक, निकाल चुके। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, ये 1760 ठीक है, उसके बाद दूसरा सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ मेल्स इन विलेज ए। ये भी हमें मालूम है, मेल्स इन विलेज ए। असल में हमने ये सोच के निकाल लिया था कि डेटा में जो संभव है कर लें, अदरवाइज तो ओनली हमें के एक्स मालूम हो रहा था 880 2640। बोलिए ठीक है। अगला सवाल, थर्ड नंबर क्वेश्चन, नंबर ऑफ फीमेल्स इन विलेज बी। नंबर ऑफ फीमेल्स इन विलेज बी यानी कि 1760 इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन दैट ऑफ विलेज ए। फीमेल्स इन विलेज ए यानी 2 ky का ये कितना परसेंट है, व्हाट परसेंट कांट बी डिटरमिन। y का वैल्यू हम निकाल ही नहीं सकते, निकाल ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये क्या हुआ, कांट बी डिटरमिन। निकाल ही नहीं सकते। क्लियर। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4 आई, क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करते हैं। इफ फीमेल पॉपुलेशन विलेज ए इज 120 मोर देन द मेल पॉपुलेशन इन द सेम विलेज। देखिए देखिए, फीमेल पॉपुलेशन इन विलेज ए, ए के बारे में बात हो रही है कि फीमेल पॉपुलेशन जो है वो मेल पॉपुलेशन से 120 ज्यादा है। यानी इन विलेज ए बात हो रही है, ठीक है, 3 ky इज मोर देन 2640 बाई 120। ये मेल्स हैं, ये फीमेल्स हैं, और ये क्वेश्चन कहता है दैट मीन्स की 3 ky इज इक्वल टू
2760, जल्दी बताइए। ठीक है, यानी मेल्स का पॉपुलेशन मालूम हो गया। ठीक है, इसमें फीमेल्स का पॉपुलेशन मालूम हो गया इसमें। ठीक है, मेल्स का तो मालूम ही था, फीमेल्स का पॉपुलेशन मालूम हो गया। फाइंड द टोटल पॉपुलेशन ऑफ विलेज बी। अब विलेज बी का टोटल पॉपुलेशन चाहिए। तो ऐसा है कि जब हम 3KY जानते हैं तो 2KY भी निकाल सकते हैं। जल्दी बताइए, 3KY अगर इतना है तो इसका मतलब ये है कि KY कितना है, और इसका मतलब कि 2KY कितना है। ये हो गया फीमेल्स इन विलेज बी, मेल्स इन विलेज बी। ठीक है, मेल्स इन विलेज बी, तो विलेज बी में मेल्स मालूम होते हैं। ठीक है, फाइंड द टोटल पॉपुलेशन ऑफ विलेज बी। तो विलेज बी का टोटल पॉपुलेशन क्या होगा, ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं लिख रहा हूं ताकि अच्छे से समझ में आए। तो 1840 प्लस 1760 इसे दे दीजिए तो 2000 हो जाएगा, 3600। बोलिए, समझ में आया, बताइए ये वीडियो एपिसोड कैसा लगा। प्री और मेन की ये सीरीज आपको सक्सेस दिलाएगी। लास्ट 10 ईयर्स में जो क्वेश्चंस आए हैं उन सबों को मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। इसके साथ साथ इसमें IBPS, RRB, पी और क्लर्क के भी प्री और मेंस के क्वेश्चंस होंगे। अगले 1 महीने में जबरदस्त तैयारी आपकी होने वाली है। ऑल द बेस्ट।